कितने हैं ये? ये अभी 40-50 जानवर है, अभी 40-50 जानवर है। हाँ। अच्छा, तो ये क्या सेल के लिए है, क्या सेल हो चुके हैं? फोर सेल हो चुके हैं, अभी जा रहे हैं ये। अच्छा, जा रहे हैं, सेल हो चुके हैं। हाँ, यूपी तो, जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जय महाकाल गोट पे हैं और ये सर आए हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। नमस्कार जी सर। नमस्कार जी सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर्वेश चौहान है। सर कहाँ से हो सर आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हो सर? हाँ जी, नोएडा। तो यहाँ सर आप क्या किस लिए आए हो सर? अभी स्टार्ट कर रहे हैं कि ये गोट फार्म, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए थे और इनसे मिले। यहाँ पे हमें तरह तरह की ये गोट के बारे में नॉलेज मिली और यहीं से हमने ये सब परचेज की। तो यहाँ का सर आपने किस कैसे पता लगा यहाँ का आपने? यहीं पे हम 2-3 दिन से यहीं पे घूम रहे थे, तो बोर्ड चेक करके, यही नहीं, हम 5-6 फार्म पे गए थे, बट क्योंकि एडवांस यहाँ दे दिया था तो फिर यहीं से सोचा कि यहीं से लेना चाहिए। एडवांस कितना दिया आपने? एडवांस 25,000 आपने एडवांस दिया। तो मतलब सर आपको चॉइस मिलेगा सर, मतलब कि आपके चॉइस के हिसाब से मिला या इनकी चॉइस के हिसाब से मिला, कि मतलब कि यार माल है? नहीं, हमें सिरोही चाहिए थी, इन्होंने सिरोही अरेंज करके दे दिया हमें चॉइस। माल किसे आए आपके हिसाब से? देखो, हमें माल की इतनी नॉलेज नहीं, हमने तो इन पे विश्वास किया है, इन पे छोड़ दिया आपने ना? क्योंकि हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो लोकेश जी, मैं इनसे पूछना आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो ये फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, इनको शायद इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो आपको ज्यादा नॉलेज है ना? एक नंबर क्वालिटी का माल आपको सामने मिला था इनको। हाँ। बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी का माल है सभी। अभी नई सेकंड बार की, फर्स्ट बार की बकरी है सभी। फर्स्ट बार सेकंड बार की बकरी है। और ये प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट ही है क्या सर? प्रेग्नेंट है। कोई 100 में से एक आध निकल जाए उसकी गारंटी नहीं है, बाकी तो सब प्रेग्नेंट बकरी है। उसके लिए फिर इनको ब्रीडर भी दिया है क्या? हाँ, ब्रीडर दिया था इनके, मतलब प्रेग्नेंट है ये, बोले जो बच्चे लेके जा रहे हैं ना उनसे हो जाएंगे हमारे, मेल बड़े इनसे कर लेंगे हम। तो सर आपने जो फर्स्ट बार आपने किया तो और इसमें जो जो लगाते हैं और इन्वेस्टमेंट कर, उसमें करा आपने या ऐसे ले? नहीं, अभी हमारा गाय का काम है उधर, तो गायों के लिए शेड है हमारे पास है, अभी ये सेटअप देख लिया है तो इनके लिए उधर अरेंज कर दें। जी जी सर। तो सर आप कितने जानवर ले रहे हो सर आप? हमने 20 फीमेल ली है सिरोही और 18 के करीब हमारे पास मेल है। अच्छा अच्छा, किस रेट से लिए सर आपने? 240 का रेट है अपना फीमेल का और 250 का रेट है अपना मेल का। अच्छा, तो वेट हो गया कि इनका, ये अब करेंगे वेट? वेट कर दिया है। तो वेट कैसे हुआ आप? आपके किसान वो सही है, संतुष्ट है क्या वेट वेट वगैरह में? वेट से तो इतने संतुष्ट नहीं है, लेकिन आप जो भी है, मतलब एडवांस जाने के बाद अब तो ये लेने वाली बात है। ऐसा है क्या? नहीं ना, वो तो आप दोबारा कर सकते हो ना, दोबारा कर सकते हो ना आप, तो आप काटे भी कर सकते हैं, ये कहते हैं आप काटे हो गया है वेट सारा। लोकेश जी एक मिनट, लोकेश जी मैं इनका वेट का मतलब मैं कह रहा हूँ कि वेट अगर इनको अगर संतुष्टि नहीं है तो ये काटे पर भी करवा सकते हैं क्या अभी वेट? नहीं, वेट करवा के दिया ना। देखो काटे पर क्या मेन चीज़, वो सब थोड़ा आगे भी बता देते हैं, पीछे भी बता देते हैं, घाटा है उस पर, इलेक्ट्रॉनिक घाटे, बड़े घाटे पे। अभी आपने मतलब संतुष्ट हैं ये तो कह रहे हैं यार, थोड़ा डाउट है यार कि काटे पे ये कह रहे हैं तो बड़े घाटे पर। मैंने अभी 6 साल हो गए, 6 से 7 साल हो गए मेरे को, कभी भी कोई काटा नहीं कराया, मैं यहीं फार्म पे काटा करा रहा हूँ। इतनी पाल्टी ली कस्टमर कोई नहीं बोलते ज्यादा, तो 2-2.5 किलो वजन तो कम तोड़ता है हर जानवर, 2 किलो तो वजन कम से कम तोड़ता है। बहुत लोग वक्त बोलते हैं 1 किलो ही तोड़ता है, 1 किलो नहीं 2-2.5 किलो वजन तोड़ेगा ही जाके, 2-2.5 किलो वजन तोड़ता है। क्यों? जगह छोड़ता है ना, मेन चीज परेशान होता है जानवर, एक खाने में पीमेन परेशान होगा, एक संतुष्ट जानवर को तंदुरुस्त नहीं मिलेगा उसको, वेट तोड़ता है। अच्छा, तो सही मिली सर आपको? हाँ, मेरे रेट सही मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।